और इन दिस कंप्यूटर ना। तो ये क्वेश्चन जो है कल का एपीएससी का क्वेश्चन है, जिसमें ड्राफ्ट में सब क्वेश्चन पूछा था, उसी का मेट सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग इसको समझ सको और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो भी आप इजीली हैंडल कर सको, इसीलिए बस। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है। हाँ देखो, एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कैसे करता है वो भी टेक्निक थोड़ा थोड़ा बताएगा अभी। हाँ तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब। एज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक क्यूब बना दिया हम लोग, एक क्यूब बना रहा है हम लोग, ठीक है, एक ही क्यूब बना गया। अब इसका एजेस का मतलब क्या होगा, साइड्स ना, इस पोर्शन को एज बोलता है ना, है कि नहीं। और ये पॉइंट को क्या बोलता है इसको, कॉर्नर या फिर वर्टेक्स ना, ठीक है। और उसी तरीके से ये जो फेस है ये इसको क्या बोलेगा, फेस है ना, इन सबको फेस बोलेगा। तो ऐसा कोई भी डायग्राम होगा तो पहले डायग्राम बनाओ फिर सोचो कि इसका क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट जवाब मत दो। तो ये अल्टीमेटली क्या है, एज पूछा है। तो कितना एज होगा इसमें, कितना एज है टोटल, कितना एज है, 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल कितना है काउंट करो, तो 5 6 7 है ना, 8 9 10 11 12 एजेस है, कितना है 12 है। उसका आंसर कितना हो जाएगा, सी इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऐसा क्वेश्चन ऐसे देख के ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, तो क्यू पूछा आपको, कीबोर्ड पूछ लेगा, ऐसा बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यूबन कीबोर्ड ही पूछेगा, रोमबस पूछ सकता है, काइट बोल के बोलेगा, तो बात बराबर ही है, देख लेना ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखता है अभी, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें एग्जाम टाइम में, द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग द ऑप्शंस। कुछ मत करो, ऐसा क्वेश्चन देख लिया ना, ऑप्शन देख लिया आप लोग को, तो ऑप्शन देखो तो हमें क्या, सब जगह में क्या है, हमें 5 5 5 5 है, ऊपर सब जगह 5 है, तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वही आपका, ऐसे में देखो ऊपर में सब जगह क्या है 5 5 5 5, ऐसे में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वही आपका लार्जेस्ट है, डिनोमिनेटर में जो स्मॉलेस्ट है ना वो आपका लार्जेस्ट है, समझ में आ गया। अदरवाइज इसका और भी एक मेथड है सोल्व कर सकता है आप, तो समझ में आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर है, सी इज योर आंसर। लेकिन नहीं तो दूसरा और भी एक, किसका माइकॉन है, देखो अगर नहीं, अगर ऐसा समझ में नहीं आया, अगर मान लो ऊपर में अलग अलग नंबर होता है और नीचे में नीचे का नंबर क्या है वो बड़ा होता है, इसमें सबको देखता, सबको ही कॉमन होता है, और ऊपर में जो भी नंबर होता है देखता कौन बड़ा है, उसके हिसाब से बड़ा कर बोल देता हम लोग, ठीक है। पर उसको छोड़ो, दूसरा और एक मेथड है, अगर प्योर का ए नहीं होगा, ए किसका, क्यूब का एज जो 12 होगा, तो 12 होगा, एज क्या को बोलता है, साइड को नहीं बोलता है क्या, एज, हाँ एज साइड तो बोलता है सर। तो कितना एज अभी तक बताया, अभी हम पूरा बता तो दिया इसको, अच्छा डायग्राम के साथ हम अभी ज्वाइन किया ना, ये देखो कितना है, ब्लैक कलर से कितना काउंट करो ना, इसको बोलता है ना एज, हम लोग 12 एज है तो इसका, वो जो सर पॉइंटिंग वाला को नहीं बोलते क्या एज, उसको कॉर्नर बोलता है या फिर वर्टेक्स बोलता है, पॉइंटेड वाला को नहीं बोलते ना सर, नहीं उसको वर्टेक्स बोलता है या फिर कॉर्नर। थैंक यू, हम कंफ्यूज था सर, ठीक है अब चलो आगे चलते हैं ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, तो आंसर ये समझ में आ गया। दूसरा क्या ऑप्शन है, आप नीचे का जितना भी डिनोमिनेटर 8 12 है ना, 8 12 6 और 9, इन सब का एलसीएम लो, जैसे कुछ एलसीएम ले लेके नंबर आ जाएगा 72, और सबका फ्रैक्शन करके देखना तो भी यही आंसर आ जाएगा, ये भी एक मेथड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2-3 ऑप्शन है आपको, हम डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या बताया, इसको देखो सब जगह पर में 5 5 था, तो नीचे में जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जितना नंबर स्मॉलेस्ट है मतलब कि वही इसका आंसर है, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया, सब नंबर सबसे छोटा नंबर क्या है 6 है, यानी कि लार्जेस्ट क्या हो गया, वो हो गया। सिंप्लीफिकेशन को नंबर थ्री को देखेगा, सिंप्लीफिकेशन वैल्यू ऑफ 2, ये प्लस सिंबल है ना सर, हाँ बोलो सर, हाँ अगर ये जो न्यूमरेटर सबका सेम नहीं होने से तो हम लोग कैसे मेथड यूज करें, डिवाइड करेगा हर एक को, हाँ डिवाइड करो, वही तो हम बताया ना, जैसे अभी देखो इन सबका एलसीएम ले लेगा, किसको ले लेगा, 8 12 6 और 9 का, अब ये सब साथ में ले रहे ना, सेपरेटली करने से नहीं होगा, नहीं हम सेपरेटली भी करो आप डेसिमल, अभी ये छोटा छोटा नंबर है इसके लिए आप सक जाएगा, बड़ा बड़ा नंबर उनसे क्या करेगा, इसके लिए बता दे रहा है, सबका जो डिनोमिनेटर है उसका स्मॉल नंबर ले लो, उसका फ्रैक्शन एलसीएम ले लो, एलसीएम लेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली कार्डबोर्ड के आएगा 72, तो सबका साथ में फिक्टर करो, जैसे 5/8 × कितना 72 होता है, कितना होगा 9 9 72 होगा, 5 9 कितना हो जाएगा 45/72, वैसे ही सेकंड वाला का देखो तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा
सेकंड वाला क्या ऑप्शन है, 5 बाय 12 कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेगा इसको, 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/72। ऐसे बाकी को भी करेगा तो उन लोगों के आंसर निकल के आएगा, बाकी का 60/72 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 40/72 आ जाएगा। कौन बड़ा है, 60 बड़ा नंबर है ना, तो यही अल्टीमेटली किसका आंसर है, वो इसका आंसर है। समझ में आया? अरे 990 हो रहा है, मतलब 8972 है ना, तो फिर और एक 9 क्यों दे रहा है डिवाइड। अरे तो आप जब एक को थोड़ी मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई कर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ना, 5 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो। हां दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हां अच्छा अच्छा हां ठीक है, तो ही तो कॉमन बराबर आएगा। ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपलीफिकेशन को देखता है। हां सिंपलीफिकेशन में क्या है, इसको इस साइड में कर देता हूं। सिंपलीफिकेशन में क्या करना है, ये तो सिंपल है, क्या हो जाएगा 2, इसको फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5 by 2 plus 3 into 3 9, 9 plus 1 10 by 3, इसको सम कर दो कितना आ जाएगा, कॉमन लेगा 6 आ जाएगा, यहां में कितना हो जाएगा 15 plus ये कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 35 by 6, यही है ना 35 by 6 आंसर है, 35 by 6 आंसर ए इज द ऑप्शन राइट करेक्शन। ठीक है जिसने भी टेक किया है सही किया है। ठीक है समझ में आ गया, अभी समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, आया सर आया। हाँ अभी ये क्वेश्चन सबको डाउट था, 54 नंबर क्वेश्चन डाउट है, क्या है n टू डी पावर 5 टू डी पावर n है इज इक्वल टू 125, सोल्व अच्छा से कर देगा। हाँ n इज इक्वल टू 125, तो 125 क्या का होगा, सिंपल है 5 टू डी पावर n, इसको लिख सकता है क्या 5 टू डी पावर 3, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है 125 होता है। समझ में आ गया, ऐसे लिख दिया ना, यानी कि ऐसे क्या समझ गया, n इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 5 टू डी पावर 1 माइनस n लिखा हुआ है, n माइनस n 1 माइनस n, तो क्या हो जाएगा 5 टू डी पावर 1 माइनस n का वैल्यू कितना है 3 है, कितना हो जाएगा 5 टू डी पावर माइनस 2, माइनस 2 में से क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा नहीं लिखेगा, यस तो आंसर इज डी 1/25। समझ में आया, 5 टू डी पावर 4 है, 4 वो 4 है क्या, वो तो 4 है ना सर, आप कैसे गए तो ठीक है, तो मुझे दिखता नहीं है ना, तो 1/5 है, ओके ये 4 है, ये किसने बोला 4 है, तो 4 चेंज करो, 4 यहां हो जाएगा 4, तो यहां में 4 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 1 होगा आंसर, ये प्लस 1 होगा, तो ठीक रुको ठीक कर देता हूं, मुझे तो वही दिखा था ना, चलो ठीक है इसमें ठीक कर देता हूं, इसको ठीक कर दूंगा नहीं तो बाद में आप लोग बोलेगा कि क्या कर दिया सर, चलो ठीक है कर दे रहा हूं, वापस से कर दे रहा हूं, ये है 4 हां, सो 5 टू डी पावर 4 माइनस n सो इज इक्वल टू 5 टू डी पावर 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 टू डी पावर 1, यानी कि आंसर क्या हो गया a, a इज योर आंसर, गेटिंग, ठीक है होगा। चलो हमको 1 दिखा था इसके लिए हम 1 से सॉल्व कर रहा था, चलो अच्छा एप्रोक्स सीख गया, ठीक है चलो अब आगे चले। अच्छा किसी का माइक ऑफ है, ऑन है, ऑन कर ऑफ कर दो ना, द डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 का क्वेश्चन बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अरे सर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको सिखाया कि नहीं सिखाया, क्या सिखाया था, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, जबकि यहाँ में सर्कमफेरेंस दे दिया है ना, कितना दे दिया आपको 22 सेंटीमीटर दे दिया है, आपको क्या पूछने वाला है रेडियस निकालो बोला है, पाई का वैल्यू कितना 22 है, अरे ये कुछ नहीं था, सो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, आर को यही रखो 22 उधर लेके चला जाओ क्या हो जाएगा, बाकी सब उल्टा हो जाएगा, बाकी सब उल्टा हो जाएगा, 22 से 22 खत्म, क्या बचा 7/2, 7/2 ऑप्शन का है, 7/2 आंसर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आ गया, यस सर, चलो नाउ ये देखता है अभी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्लास 10 में चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में है कहीं, तो इसको बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है देखता है चलो, ठीक है डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है अगर कोई पॉइंट ए है जिसका वैल्यू क्या है सर, हाँ बोलो सर, आप स्पीड हो रहे थोड़ा सा स्लो कीजिए ना, माता ऐसे खराब है, थैंक यू, ठीक है हाँ ज्यादा स्पीड हमको लगा भी था ना, एक्चुअली हम पहले से एज्यूम है कि कुछ करना है बोल के, ठीक है चलो ए का, ठीक है चलो ए का पॉइंट 2 और 3 है, तो इसको आप एक्स ले वन ले लेगा, इसको वाई वन ले लेगा, ठीक है वैसे बी का वैल्यू क्या क्या है 5 और 7 है,
तो क्या हो जाएगा x2 और इसको y2 ले लेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बोलता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट क्या लिखेगा बोल दो, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज को पुट करो तो आपका आंसर निकल के आएगा, वैल्यू पुट करना जानता है ना, तो वैल्यू पुट करने से कितना आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करता है तो x2 कितना है, x2 है 5 का 5 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो प्लस करने से कितना हो जाता है, ये हो जाता है अंडर रूट 25, यानी कि क्या हो जाएगा 5 इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। गेटिंग, क्या आंसर है, सी आंसर है, सी इज योर आंसर। ओके अभी समझ में आया, हाँ थैंक यू। और किसी को डाउट है यहां में, चलो आगे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन तो मजा है, रेशियो में क्वेश्चन है, ठीक है आगे देखते हैं, देखो होता क्या है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, 57 में क्या है क्वेश्चन, इफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल आर इन द रेशियो, उसका एंगल्स क्या है, 1 इस टू का रेशियो में, 1 इस टू 2 इस टू 3 का रेशियो में है। आप लोगों को थोड़ा छोटा करने से प्रॉब्लम होगा क्या, इसको देखो बोलना, हाँ छोटा करने से ठीक दिख रहा है आप लोग को, क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से, ठीक है तो हम इसी में रहेंगे क्योंकि वो थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो जा रहा है उसमें। तो 1 इस टू 2 इस टू 3 का रेशियो में एक ट्राइंगल है। अब क्या पूरा स्मॉलेस्ट एंगल क्या हुआ वो पूछो, पहले तो जानो कि ट्राइंगल का पूरा एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इन सब का रेशियो रेशियो में है तो कैसे करेगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा 6, टोटल कितना पावर कितना पार्ट में डिवाइड होगा 6 में, याद करो 180 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अभी क्या करो, ये जो 30 डिग्री आ गया ना, एक एक से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 30 30 डिग्री, फिर 2 इंटू 30 60 डिग्री, 3 इंटू 30 90 डिग्री, कौन छोटा है, कौन छोटा है, 30 डिग्री छोटा है ना, 30 आंसर इज डी इज योर आंसर। गेटिंग, समझ में आ गया यहां तक, यस सर। चलो अब आगे चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तो बताना नहीं बताना बात बराबर ही है, नहीं बताने से भी ठीक ही लग गया, फिर भी द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग दिस नंबर्स, स्मॉलेस्ट पूछा है ना, क्या है सबसे स्मॉलेस्ट में पहले कौन सा है, 3 छोटा है, फिर कौन उससे बड़ा है, 4 बड़ा है, फिर कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, फिर कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो यह नंबर क्या बन गया, 3 4 8 9, क्लास केजी का बच्चा भी उससे कहेगा इसको ना, आप लोग तो फिर भी बड़ा है, ठीक है तो दैट इज योर आंसर। ओके कभी कभी कॉन्फिडेंस में आदमी गलती बोल देता है, जैसे हम बोल सकते हैं कई बार, तो हमको ठीक कर देना ना। इफ एन अम्ब्रेला ऑफ रुपीज 400 इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू ए बायर, एक खरीदने वाला को बेचा गया है, द प्राइस पेड बाय द बायर, जो बायर बेचा है और बायर जो पे किया है वो पूछा है, तो आप बताओ, तो इसमें एसपी पूछ रहा है ना सीपी पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है ना सीपी पूछ रहा है, वो बता पाए, हाँ ये सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, आप लोग के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए इसका, बिना बिना सोचे समझे बोलो, आप सोचो कि आप कुछ खरीदने गए, हाँ यस 360, क्या होता है डिस्काउंट का एक बेसिक फंडा होता है, डिस्काउंट कैसे निकलता है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, या फिर ऐसे भी निकलो, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है डिस्काउंट प्राइस। अब डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, जो भी मार्क प्राइस होता है इनटू डिस्काउंट कैसे निकलेगा, इनटू डिस्काउंट परसेंटेज, तो मार्क प्राइस कितना है 400, डिस्काउंट कितना है 10% है, तो कट गया कितना बचा 40 रुपीज, उसको डिस्काउंट हो रहा है, सो 40 माइनस कर दो डायरेक्ट से, तो 40 माइनस करने से कितना आंसर आ जा रहा है, बी आंसर आ जा रहा है, सो आंसर इज नथिंग बट द 360। अभी ठीक है, नोनी समझ में आया, ना भाग गया वो, ज्यादा स्पीड हो गया क्या, नहीं नहीं समझ में आया सर सर, ठीक चलो आगे चलता है, तो दिस इज व्हाट, नाउ इसको तो क्वेश्चन इसको सॉल्व करा था समय बहुत
मतलब अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख के, क्योंकि ये इकलौता यही क्वेश्चन था जिसको पढ़ा के ऐसा लग रहा था कि हम आपको कुछ सिखा सकेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. द नंबर 2744 कैन बी रिटन एज, आप लोग के हिसाब से एग्जाम में होता तो आप क्या करता है, आप इसको बताओ तो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में. अगर आप लोग एग्जाम में जा रहा था तो क्या करता है, इसको डिवाइड करता है क्या? नहीं सर, वो मल्टीप्लाई उसको चौथा करता है, क्यूब स्क्वायर नहीं तो क्यूब में मिलाता है, क्यूब रूट. हाँ आप सही बोला है, क्यूबिक के टर्म पे कुछ ना कुछ डिवाइड इनटू करता, लेकिन हम थोड़ा ट्रिक्स बताने का कोशिश करता है. ये ट्रिक ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बस ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है. देखो आपको कुछ पता होना चाहिए, 1 × 1 × 1 क्या होता है 1, 4 × 4 × 4 क्या होगा 64, ऐसा कुछ होगा क्या? लास्ट में नंबर क्या आ रहा है 4 आ रहा है. वैसे 8 × 8 × 8 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा लास्ट का नंबर क्या आएगा बताओ तो 2 आएगा. ठीक है, वैसे ही हमें क्या नंबर है देखो तो, हमें नेक्स्ट नंबर क्या है, हमें नेक्स्ट नंबर 2 है. सो 2 × 2 × 2 क्या आएगा बताओ तो 8. ठीक है, वैसे ही लास्ट का नंबर क्या है नेक्स्ट में 6 × 6 × 6 क्या आएगा लास्ट में बताओ तो, लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा. अब बस देखो यहां में किसका पास में 4 है, 4 किसके पास में है, 4 के पास में है ना, लास्ट में 4 के पास में आंसर है ना. तो बस अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, जरूरत नहीं है पूरा डिवाइड करो उसको इतना परेशान करो, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन था वो, सब जगह 1-1 था, लास्ट डिजिट दिखा और यहाँ. हाँ हम तो एलसीएम करके निकाल दिया, वही तो एलसीएम करके बहुत टाइम खाएगा आपका. दिस इज द बेसिक लॉजिक जो आपका विद इन सेकंड में आप सोल्व कर लिया है ना, तो विद इन सेकंड में सोल्व कर लेगा इसको. 4 लास्ट में है और इन लोगों के लास्ट में दिख रहा है 4, 8, 2, 6 तो हम डायरेक्टली लास्ट नंबर को इंटू करके देखा है, अरे हाँ 4 आ गया, क्यूब है ना, क्यूब क्यूब भी देखा तो आंसर यही हो गया. समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात को? यस सर. हाँ तो ये एक टॉपिक है, ऐसा अपना दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा मैथ्स में ना, कि ऐसे समय में ऑब्जेक्टिव को टाइम लॉस मत करो बोल के. ठीक है चलो, इन केस ये डबल फोर का जगह डबल एट होने से तो बी जो आंसर होना था ना. हाँ डबल फोर का जगह लाइक 2744 है तो या मैं अब जैसे हाँ कुछ ऐसा नंबर होता कि लास्ट में अगर 8 होता, लास्ट में 8 होता तो 2 होता, लास्ट में 6 होता तो लास्ट में क्या 6 होता तो 16 होता, इस टाइप का होता. समझ में आ गया बात को? हाँ वो, लेकिन थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखो और एटलीस्ट थोड़ा दिमाग लगा ही सकता है आप लोग, तो क्वेश्चन देख के अपना देखना. चलो आप सोल्व करता है नेक्स्ट क्वेश्चन. 15 ईयर इसका आंसर बता दो, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, क्या होगा इसका आंसर? 5. कौन कौन नहीं सक रहा था इसको? नहीं सका. ठीक है देखो कुछ नहीं है, प्रेजेंट एज को आप ले लेगा, आप एक्स ले लेगा, ले लेगा ना एक्स प्रेजेंट एज को. यहाँ में एक ही आदमी है, इसके लिए आपको सोच रहा होगा इक्वेशन कैसे बनाएगा, ये तो आप प्रेजेंट एज ले लिया. दूसरा देखो क्या बोल रहा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद. ठीक है, आज से 15 साल बाद में, 15 साल बाद में क्या होगा, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा इक्वेशन, 15 प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना. और रवि का एज क्या है, रवि का एज क्या है, तब रवि का एज कितना है, रवि का एज कितना है, रवि का एज है कितना है 4x है. ये 15 इयर्स के हिसाब से ये दो इक्वेशन बन गया आपके लिए, है कि नहीं. सो 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? वैसे ही 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो अल्टीमेटली देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/3 यानी कि 5. सो द आंसर इज 5 ईयर. समझ में आ गया अभी? Yes, sir. चलो आगे चलता है. Now let me solve next question. Now, इस क्वेश्चन को देखता है हम लोग, हो क्या रहा है देखो. हाँ इस क्वेश्चन को देखो, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन ये तो कुछ नहीं था, क्या करना है आपको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपको, वाई पूछा है क्या करेगा, तो फिर इसमें वाई पूछा है तो क्या करेगा, हमें माइनस कर देगा, ऐसा उनसे क्या हो जाएगा, ये सिंबल प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और एक्स एक्स कर गया, बचा गया 2y = 10, तो y = कितना हो जाएगा बताओ, 5.
फाइव, टू वन जा टू फाइव जा, अल्टीमेटली कितना आ गया आंसर इसका, क्या आ गया, बी इज योर आंसर। कोई डाउट यहां तक, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूं हम लोग। इफ, ये क्वेश्चन थोड़ा मजा है लेकिन कुछ बताना आप लोग आंसर क्या होगा। इफ इसको सॉल्यूशन करने का कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। समवन कॉल मी, हेलो, हाँ कौन बहन, हाँ बोलिए, क्या सामान लेकिन आप किसको कॉल कर रहे हैं, आप गलत जगह नंबर कॉल कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक, देखिए हो क्या रहा है। हाँ सो इसमें क्या है, ए मिस्टर ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 days, 10 दिन में वो एक वॉल बनाता है। फॉर नंबर ऑफ डे ही वुड रिक्वायर टू बिल्ड 1/4 ऑफ द वॉल, तो बिना आंसर सॉल्व किया निकाल नहीं सकेगा क्या आंसर, बताओ तो क्या होगा इसका आंसर, 2.5 days। ये सिंपली बिना सॉल्व किए ही इसको डिवाइड कर दो, क्या करेगा 1/4 × 10 से कर दिया, निकल गया आंसर, इट इज 2.5। ठीक है सिंपल, कुछ नहीं है सर, इसको हमने समझा था, अच्छा बता दीजिए ना, इसमें हम फंस गया था। देखो एक 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 इंसान है, आप ही है, आप ना आपका घर का एक वाल को बनाने के लिए 10 दिन लगाता है, ठीक है, आपका घर का एक साइड का वाल को बनाने के लिए आप 10 दिन लगाता है, अगर वही वाल का आप 1/4 हिस्सा को काम करना है, सिर्फ 1/4, तो कितना समय लगाएगा, सिंपल एक दिन में कितना काम करेगा सोचो, इसमें सोचो 10 से इंटू नहीं कर देगा 1/4 × 10, है कि नहीं, ठीक है सर, लेकिन ये पढ़ाऊंगा तो और मैं समझ में आया, चिंता मत करो, अभी एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं है ऐसा कि आपको पूरा टेक्निक बताओ, ये क्वेश्चन कुछ टेक्निक था नहीं, ये बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमर था ये क्वेश्चन में, ठीक है सर, ये वर्किंग डेज वाला नहीं पढ़ाया था ना अभी, पढ़ाएगा हम, पढ़ा देगा। नाउ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी, एपी का क्वेश्चन है, कल तो पढ़ा दिया क्वेश्चन में, हां कल तो पढ़ाया था ना एपी, तो एपी का कैसे सॉल्व करते हैं बताओ तो, जी एपी का कैसे, द आंसर जो, सो tn इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इनटू d, है ना, यहां में n का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना बताओ 10, ठीक है, प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस 1, d का वैल्यू कितना होगा बताओ, माइनस 3 होगा, 7 माइनस 10 3 माइनस 3, है ना, ये हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 × -3, है ना, ये कितना हो जाएगा 10 − 15, यानी कि -5, सॉरी -5, तो -5 आंसर है कहीं में, ये है आंसर इसका, गेटिंग, ये इसका आंसर, गेटिंग ना, अब देखो ये क्या है, ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन भी बहुत मजा है सॉल्व करता है इसको, देखो हाँ, a diagonal of a rectangle is 5 cm, diagonal de diya 5 cm and one of its side is 4 cm, pehle to ek rectangle banao, samjho ki diagram kya bol raha hai, jab bhi aisa question banta hai aap jitna bhi acha hai, jitna bhi acha laga hai ya fir jitna bhi intelligent hai, ek diagram bana ke apna aapko proof karo ki aap sahi hai, ha ye diagonal hai, diagonal ka value kitna de diya aapko 5 cm de diya hai aur koi bhi ek side isko 4 cm de diya hai, to ye side kya hoga aapko pata hai, right angle triangle hai, with the help of pythagoras theorem 5² = आपको ये पता नहीं है x है ना, x² + 4² यानी कि x = क्या हो जाएगा 5² - 4² यानी कि 25 - 4 और 16 कितना हो जाएगा 9 x² x = कितना हो जाएगा √9 यानी कि 3, दूसरा साइड क्या मिल गया आपको, ये साइड 3 हो गया, तो अभी क्या होगा, एरिया पूछा आपसे, तो एरिया आपको और क्या पूछा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 × 3, 4 × 3 कितना होता है 12 cm², समझाए बात को, बात को समझाए कि नहीं समझाए, yes, तो आंसर क्या हो जाएगा 12² cm, दिस इज योर आंसर, ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करता है। चलो ये क्वेश्चन और भी आसान है, इस क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी सॉल्व करना, आपको x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकल जाएगा 15/4, वो 9 उधर में है, इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 9 = वो -7 इधर में है, उसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, इसको माइनस करो तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेके सॉल्व करो कितना हो जाएगा 4 15, 4 × 9 कितना होता है, 4 × 9 कितना होता है 36 = 7x, तो क्या हो जाएगा इसमें वैल्यू
यहाँ क्या हो जाएगा -21/4 सेवन उधर में था ना, इसको इनटू यही कर दो, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा ना ऐसे। हाँ उससे सेवन वन जा सेवन थ्री जा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया -3/4 इज योर आंसर। सो -3/4 आंसर बी है, आंसर बी इज योर आंसर। समझा, जिसने भी इस एग्जाम को दिया है वो मेट्स में तो बहुत गंदा मार्क लाया होगा, इतना सारा गलती है इसका। ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। आई डोंट नो कौन शेयर किया था इसका। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, दिस क्वेश्चन ऑल्सो ट्रिक मी ऑल्सो, कुछ प्रॉब्लम हुआ है पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बिकॉज 3 इज रेशनल नंबर और नॉट, बताओ व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर, पहला बात रेशनल नंबर क्या होता है, वो p by q मतलब उसमें फॉर्म में होगा, जो भी है p by q के फॉर्म में होगा, वहां में q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू जीरो, इतना ही है बस। ठीक है, यही है रेशनल नंबर का मतलब। दूसरा कि ये दोनों रिकरिंग होना चाहिए ना, नंबर खत्म होना चाहिए डिवाइड करने से भी, क्योंकि 3 तो है ही आंसर, -3 ये नेगेटिव भी हो सकता है, -3/4 भी आंसर है, लेकिन यहाँ में इसका वैल्यू काटने से हमको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या आएगा, डिवाइड कर रहे हैं हम, वो ट्राई कर रहे हैं, ये खत्म होता है कि नहीं होता है पता नहीं हमको। अदरवाइज अगर ये हम सही, थोड़ा सा हमको तकलीफ हुआ है, एक बार आप लोग भी देखना इसको, तो अगर ऐसा दिखता है ये दोनों भी सही है इसके हिसाब से, तो ये आंसर ऑल ऑफ द डीज होगा इसका आंसर मेरे हिसाब से। फॉर माई साइड आंसर इज ऑल ऑफ द डीज, बट हम इसको सोल्व नहीं कर पाया 10/7 को, एक बार आप लोग ट्राई करना। ठीक है ठीक है सर, रुकिए सर, रेशनल नंबर तो p by q का फॉर्म में होना चाहिए ना, और नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए जो ना, यस, तो 3 और ये -3/4 ये रेशनल नंबर तो नहीं है ना, है ना रेशनल नंबर, 3 का नीचे में 1 है कि नहीं है, तो p by q फॉर्म में है कि नहीं, तो रेशनल नंबर है वो, तो सर ये माइनस वाला जो माइनस भी नेगेटिव नंबर भी रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर में हम माइनस देखा था सर, नहीं इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग है ना, रिकरिंग है, रिकरिंग है हाँ सर, तो रेशनल नंबर हो जाएगा, तो रेशनल नंबर है ना, I think so, yes sir. If it is, then please देखिएगा, लेकिन मैं कैलकुलेटर से यूज किया था पर हो नहीं रहा था, अदरवाइज ये देखो अगर ऐसा हुआ भी है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ऑल ऑफ द आंसर भी है, हमें दो तो मिल ही रहा है आपको, तो ऑल ऑफ द डायरेक्ट इसको टिक करके आ जाना एग्जाम, ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ था, पर फिर भी दैट इज ओनली माय, इसको हम डिवाइड नहीं कर पाया और टाइम नहीं था मेरे पास डिवाइड करने का, ये तो हम भी 2 मिनट में डिवाइड, मतलब आई नीड 2-3 मिनट्स डिवाइड करने के लिए, पर उतना टाइम हम दिया नहीं इसको, तो छोड़ो उसको, आप एक बार देख लेना रेशनल नंबर जब पढ़ाएगा तो बता देगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 1/2 इसका आंसर क्या होगा बता दो, रुको हम पूछे सबसे, रुको हम पूछेगा किसी से पूछेगा, ए एम का बता, ए एम बताओ इसका आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर 1/4 and 1/2 अमंग द फॉलोइंग क्या होगा इसका आंसर, बी होगा क्या, बी होगा क्या पूछ रहे हैं आपसे हम, हाँ बोलो, हाँ ला दे ला दे ला दे, रेशनल नंबर होगा क्या बताओ, कोई बोलता ही नहीं है, होगा कोई भी बोलो हमको आंसर, यस सर बी होगा, बी के बी, वेरी बी कौन किया है, बी कौन कौन किया है, बी कौन कौन बोल रहा है सर, हम नॉन नॉन किया है, अच्छा बी और डी, चलो ए तो होगा नहीं सी तो होगा नहीं ये तो हमको ही पता है, ए बताओ बी और डी में कौन कौन है, बी और डी में बी कौन कौन बोल रहा है सर, हम बी, हमको बी है, 1/3 तो 1/3 इज नॉट ए गुड आंसर, इट्स अ बैड आंसर, 1/3 खत्म होता ही नहीं, डिवाइड करके देखो, ठीक है 1/3 को डिवाइड करके देखो वो खत्म होगा ही, वो इरेशनल नंबर है, क्या है वो, ये 1/3 इज इरेशनल नंबर, और यहाँ पूछा है रेशनल नंबर, मालूम था आप लोग ऐसा बोलेगा, 1/4 के बीच में और 1/2 के बीच में 1/3 आता है, तो ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, नहीं ये इरेशनल नंबर है, आपसे पूछ लिया रेशनल नंबर, आपसे कोई बोलता फ्रैक्शन बताओ तो आंसर सही होता, बट यहाँ रेशनल नंबर पूछा है, 1/3 खत्म होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ए
इरेशनल नंबर है, क्या है? इरेशनल नंबर है, तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द अबव। समझ में आ गया? जैसे 1 बाय 4 का वैल्यू कितना हो गया 0.25, वैसे 1 बाय 2 का वैल्यू कितना हो गया 0.5, तो 1 बाय 5 का वैल्यू कितना आएगा? जो भी आएगा 1 बाय 5 का वैल्यू होता है 0.2, तो ये तो होगा नहीं, ये 1 तो होगा नहीं, उससे छोटा बड़ा है, जो भी होना है इसके बीच का वैल्यू होना है। यस, 1 बाय 3 का वैल्यू आता है 0.3333 आता है, ये तो होगा, लेकिन खत्म तो होता नहीं ना, तो वैल्यू ही नहीं होगा कैसे होने से? नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। अच्छा वेट, हेलो सर, आई थिंक 1 बाय 3 रेशनल नंबर है सर। ओ या या या, 1 बाय 3 इज अ रेशनल नंबर ना। नहीं नहीं, 1 बाय 3 इज नॉन रेशनल नंबर, जस्ट सेकंड, ई रेशनल नंबर, 1 बाय 3 रेशनल नंबर, एक बार देख लेना, ठीक है? चलो ये दो क्वेश्चन को तो हम भी थोड़ा सा एक बार देख के बता देगा, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को बता देगा, बस रेशनल नंबर इस समय को। हां बोलो, 1 बाय 3 जो रेशनल नंबर है, मगर सर वो जो 1 बाय 4 और 1 बाय 2 के बीच में आएगा ही नहीं सर। क्यों नहीं आएगा? 1 बाय 5 और 1 बाय 3 रेशनल नंबर, 1 बाय 3 रेशनल नंबर है ना? श्योर सर? यस सर, वो रिपीटिंग है ना सर। गूगल इट, गूगल इट, कोई भी आदमी गूगल करो जल्दी करो। हां गूगल में सर रेशनल दिखा रहा है। रेशनल दिखा रहा है, तो आंसर इज बी। आई एम मैं गलती था, आंसर इज बी, बस खत्म कहानी। आंसर इज दिस इज इफ इट इज रेशनल नंबर, लेकिन फिर भी हमको कहीं कहीं इरेशनल नंबर दिखता है, क्लास 10 का बुक में हम कहाँ पढ़ा था ऐसा हमको फील हो रहा है, पर देख लेना। और चलो ये दो क्वेश्चन को तो हम अच्छे पढ़ा कर देगा, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में थोड़ा सा ये होता है। चलो आगे चलता है, बाकी तो कोई चिंता नहीं। चलो हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है 69, ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा परेशान किया, क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट द टॉपिक, अगर देखेगा, लेकिन अगर टॉपिक में इंटेलिजेंस दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सेट आएगा ही आएगा, तो आपका यूडीसी का एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लेना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस, बाकी तो आएगा ही आएगा, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्सपेक्ट करके चलो। ये क्या है, इसका आंसर क्या है बता दे रहा है, अभी के लिए 7 है, इसका आंसर 7 है, कैसे आया अभी पता डिस्कस नहीं करेगा, बस बता देगा, और सेट हम कल या परसों पढ़ाएगा उस टॉपिक के बाद में, तो उसके या फिर जनरल इंटेलिजेंस में सेट पढ़ा देगा, उसमें आप देख लेना कि कैसे 7 आता है, ठीक है? ठीक है ना, 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या होगा बताओ? द नंबर एडेड टू ट्वाइस 3/4 टू गेट 2 इज, क्या होगा बताओ? क्वेश्चन बताओ, नंबर को आपने x ले लिया है, एडेड का मतलब प्लस हो गया, मेरा d आया, हां मेरा d आया आंसर -1/2। यस यस, आप सही है, ट्वाइस का मतलब 2, किस में ट्वाइस करेगा, 3/4 से ट्वाइस करेगा, तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, बन गया इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, उसको लेके जाते हो 4 इंटू 2 कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6/4, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं था ना, इसको तो मल्टीप्लाई किया गया ना, तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया। अब सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1/2 -1/2, यस यस यस, लेट मी सी, ये आंसर किसे किसे सही आया बता दो, किसे से माइनस आया सर? 1/2 है, नॉट माइनस। यस यस, वही हम बात करने के लिए चल रहा था, किसी ने बोला माइनस आया, किसी ने बोला नॉर्मल। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कहां गया सॉल्यूशन, कहां होगा ना? हां वो तो आप समझो, माइनस कैसे आया पता नहीं हमको, पर हम तो सॉल्व कर रहे, देखो ये वैल्यू को अगर इस साइड लेके जाएगा ये माइनस होगा, 2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, अभी 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, माइनस 6/2 तो ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, आंसर तो 1/2 होना चाहिए था, माइनस कैसे आ गया, माइनस कैसे आ गया, ठीक है चलो चेक कर लो, ठीक है हम ऐसे 3 2 जा 6/4 ना प्लस x इक्वल टू 2, तो ऐसा करके तू x ओके ना, तू तू वही रहेगा, 6 वहां जाएगा, मतलब दोनों को उल्टा कर सेम कर उससे जाके माइनस कर देगा ना। दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो, हम सही किया है, कुछ भी कर लो, नंबर इंटरचेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार चेक, -6/4 करके हम किया था, -6 होने से तो -6/4 नहीं, किसी भी कंडीशन में माइनस नहीं आएगा, देख लो एक बार ठीक से, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर एडेड, दिस क्वेश्चन The average of all prime number between 30 and 50. Prime number पूछा है। Prime number समझता है ना क्या होता है? What is prime number?
व्हाट इज प्राइम नंबर? यस, तो प्राइम नंबर जो नंबर जो कि खुद से डिवाइड होगा और दूसरा इटसेल्फ से होगा. तो प्राइम नंबर देखो क्या क्या होता है हमारे पास में. प्राइम नंबर कौन सा है? 30 और 50 के बीच में. 31 है, दूसरा 37 है, वैसे ही 41 है, 43 है, 47 है और है नहीं. ये प्राइम लिस्ट का ये नंबर आप लोगों को पीडीएफ मिल चुका है, एक बार देख लेना अच्छे से एग्जाम से जाने से पहले. एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का बहुत चांसेस है. हम थोड़ा ज्यादा फास्ट है आज, कोशिश करके भी नहीं हो पा रहा पता नहीं क्यों. हम बहुत ट्राई किया स्लो होने के लिए अपने आपको. और एक बार दिखाइए स्क्रीनशॉट लेगा. हाँ पीडीएफ दे दिया है ग्रुप में, फिर भी देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट. ले लिया? ले लिया. ओके तो देखता है इसका सोल्यूशन करता है. हाँ 30 और 50 का बीच में प्राइम नंबर कौन सा है? 31, 37, 41, 43, 47. इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? 199 आ जाएगा. कितना नंबर टोटल? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स है. तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? 39.8 आंसर है. डी इज योर आंसर. एवरेज तो ऐसे निकलता है ना. तो प्राइम नंबर पे एक क्वेश्चन बनेगा ऐसा चांसेस है बहुत. चलो अभी कोई डाउट यहां तक किसी को भी? कोई डाउट है क्या? सर 69 को नहीं करा जाएगा? हाँ 69 जो 69 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 69 जो सर 69 बताया वो सॉल्यूशन नहीं कराएगा इसका. आंसर बता दिया, सॉल्यूशन नहीं. अभी सेट पढ़ाएगा तो आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस में. आज पढ़ाने का दिन था लेकिन आज नहीं, हमसे कल पढ़ा देगा, कोई इशू नहीं है. ठीक है ठीक है. नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. 72 का आंसर बताओ तो कौन बताएगा मुझे 72 का आंसर? 3 × 10⁻¹⁵ इसने ये सही करके. ये कौन को बोल रहा है इसी आंसर सही है? दी सर. सर मेरा ए है. दी है सर. किसका किसका ए आया है? देखो सीख लो अभी. हाँ ये परेशान मत करो अपने आपको. देखो जब बोलता है 3 × 10⁻¹⁵ मतलब क्या है? कितना दे है हमें? 5 यानी कि 5 नंबर होना चाहिए. 2, 3, 4 और एक नंबर क्या हो जाएगा? 3. और पॉइंट लग जाएगा, माइनस लगा था पॉइंट यहाँ लग गया, प्लस होने से पॉइंट यहाँ लगता, 3 के बाद लगता. गेटिंग? तो ये नंबर क्या दिख रहा है? ये नंबर दिख रहा है. ये तो डिसिमल में पढ़ा चुका है आपको हम. तो दैट इज योर आंसर. आंसर क्या हो गया? ये तो होगा नहीं. ठीक है आंसर क्या होगा? डी इज योर आंसर. गेटिंग? समझ में आ गया? यस सर समझ सकते हो. 73 को देखता है. 73 को, 73 में क्या है देखो तो. 73 में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई. क्या होगा? कैसे करेगा इसको? एक्स कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? मेरा आंसर ए आया. प्लस वाई, यहाँ में 1 प्लस वाई किया, 1 किया, 1 × x प्लस वाई. ऐसे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस वाई. ये तो बच्चा वाला था. क्या हो जाएगा आंसर? ए. ठीक है ए इज योर आंसर. चलो नेक्स्ट है द एरिया ऑफ रोम्बस. कल ही पढ़ाया है, बताओ क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला पूछा है हम. डायगोनल 1 * 2 ये डायगोनल 1 * 2 डायगोनल 2 * 1/2 ना. सो 1/2 * डायगोनल 1 कितना है? 8 है. डायगोनल 2 कितना है? 6 है. काटो काटो 4. सो 4 * 6 24. 24 इज योर आंसर. सो बी इज योर आंसर. 24 सेंटीमीटर. ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा. समझ में आया? ठीक ना. नाउ ये भी कल पढ़ा चुका था आपको. क्या पढ़ा था? लेटरल द कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर ऑफ द सिलेंडर क्या है आपके पास में? सिलेंडर कैसा होता है कल पढ़ा चुका है ना. एक सिलेंडर को काटो, काटने से क्या दिखता है? ये क्या है? 2πr है उसका सर्कमफेरेंस और ये इसका h है. दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2πrh. तो आंसर कौन सा हो जाएगा? B इज योर आंसर. सिखाया था ना कल क्लास में मेजरमेंट में. हां हां डन. दिस मच इतना ही था क्वेश्चन मेजरमेंट का. मैं रिकॉर्ड किया क्लास का पता नहीं है. हां ज्यादा सिंपल सी आया लग रहा है.
सिंपल, तीन चार क्वेश्चन तो हमको भी तकलीफ दिया, आपको तकलीफ नहीं दिया क्या? कटअप भी तो ऐसे ही जाएगा। देखो ना इस जिसका पेपर ये था वो इंसान कितना गलती किया है, सिंपल आंसर क्या हुआ? आप तो पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको सिंपल लगा, देखा है सोल्यूशन देख रहा है? आप ये वीडियो दे देगा ना वापस तो आपको ये क्वेश्चन पेपर नहीं देगा। वीडियो तो अपलोड पता नहीं, चलो हटा, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ एक्चुअली, ऐसा हो रहा है दिखाई दे रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है क्या पता नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो का वो रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन विद दिस थिंग्स, पेपर सॉल्यूशन कर लिया। आज मेरे पास में और भी था, चलो डिस्काउंट के बारे में बात करना था ना हमको, वी हैव टू डिस्काउंट अबाउट लर्न अबाउट डिस्काउंट। दो सेकंड मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं पहले, नहीं इसी में बात चलो अभी क्या, ये तो छोड़ो जीके का पॉइंट है, चलो कुछ और बात करता है। हम लोग प्रिज्म एंड पिरामिड का बात कर रहा था ना, मेजरमेंट सुन लो, अब मेजरमेंट का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है उसको बता। हेलो सर। हाँ सर, ये क्या बोलते मिक्स फ्रैक्शन को ना वो डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखता था वो? मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में? हाँ डेसिमल फॉर्म में 2, 1/2 ऐसा लगा, मिक्स डेसिमल फ्रैक्शन में तो निकाल नहीं डालेगा, पहले इसको मिक्स फॉर्म से फ्रैक्शन में लाएगा, तो क्या करेगा 2 × 2 + 1/2 यही होता है मतलब, ठीक है ये 2 से ये इंटू होगा और ये यहाँ प्लस होगा, ये इंटू होगा, समझ में आ गया? कितना हो जाएगा 5/2 और ऐसे लिखेगा। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 2.5, ऐसा आएगा क्या? 2.5 इज अ डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया और ये तो मिक्स फॉर्म हो गया, समझ में आया? समझा ना? हाँ हाँ सर। डन डन। मेजरमेंट में हाँ बोलो, चलो आगे चलता है। मेजरमेंट का आपको पीडीएफ दे दिया ना, प्रिज्म एंड पिरामिड को आप लोग पढ़ो अच्छा, वो कितना 12 पेज का पीडीएफ है, उसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो और पूरा अच्छा से रीडिंग करो, और उसके बाद डाउट होता तुमसे पूछो कुछ, हमको तो लगता है प्रिज्म मेजरमेंट को कुछ पढ़ाना जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना एक दो पॉइंट है। प्रिज्म कहाँ गया, ये प्रिज्म कब बोलता है, व्हेन वी से प्रिज्म होने के लिए उसका हर एक सर्फेस क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है आप सुन लेना, हर एक सर्फेस प्रिज्म, जैसे कि ये एक सर्फेस है, ये एक सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, तो इसीलिए प्रिज्म नहीं है, लेकिन अगर इसी जगह में एक ट्रायंगल सेक्शन होता, हर एक सेक्शन हर एक बॉडीज का सरफेस क्या होता, हर एक सेक्शन क्या होता, फ्लैट है, तो ये प्रिज्म है, समझ में आ गया? और ऐसा लोगों क्या बोलते हम लोग, तो ये वर्ड को भी याद रखना, पॉलीहेड्रॉन, हेड्रॉन भी बोलता है प्रिज्म को, हम पॉलीहेड्रॉन भी बोलता, समझा? ये वर्ड समझ कर रखना, एग्जाम पूछ देगा, पॉलीहेड्रॉन किसको बोलता है, एक मार्क के लिए, एसआई वाला जेई एलडीसी यूडीसी दोनों सबको बोल रहा हूं, एक मार्क का क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों के लिए, 2 मार्क एपीएससी के लिए, 2 मार्क पॉलीहेड्रॉन, समझ में आ रहा है? तो प्रिज्म के लिए होना क्या जरूरी है, मींस व्हिच ऑल फेसेस आर फ्लैट होना जरूरी है, इट इज एनफ फॉर नाउ। नाउ डिस्काउंट बताना हमको, डिस्काउंट तो यहां में रिकॉर्ड नहीं करेगा।